हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए सभी। टाइमली ज्वाइन हो पा रहा है क्या? शेड्यूल पहुंच गया था सभी के पास? मैसेज शेड्यूल, सॉरी मैसेज। क्लास तो मैंने शेड्यूल कर दी थी वैसे। ऋतुराज जी गुड इवनिंग, त्रिपाठी जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, मैसेज आ गया था आप सभी के पास। कल तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे भी मैसेज नहीं आया था, और शाम को मैं शेड्यूल नहीं कर पाई क्लास, बिकॉज वाईफाई नहीं चल रहा था कल मेरा। मॉर्निंग में चला है 10 बजे के बाद, तो फिर घर पे नहीं थी आज, अभी पहुंची थोड़ी देर पहले, फिर अभी क्लास शेड्यूल करी मैंने। वैसे तो मैंने कल बता दिया था आपको कि आज क्लास होनी है, अब देखते हैं कितने ज्वाइन करते। यस मैम, आज तो आ गया था। ओके ठीक है, आज आ गया था, कल नहीं आया था ना। कल रिकॉर्डेड क्लास देखी फिर आप लोगों ने, जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी? मैं ठीक हूँ चौधरी जी, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग जी ललिता जी। आपकी शिमला में दुर्गा पूजा सेलिब्रेटेड होती है? सेलिब्रेट होती है क्या? नहीं मुझे नहीं पता, नहीं होती शायद, कि होती होगी पता नहीं मुझे। यस मैम, मैंने देखी थी रिकॉर्डेड क्लास। ओके तो समझ आया था प्रेरणा जी आपको? पॉल्यूशन पढ़ा था कल हमने, वाटर पॉल्यूशन एंड आपका एयर पॉल्यूशन का सेकेंडरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पढ़े थे हमने कल, समझ आया था आपको? कीवर्ड के साथ पढ़ा रही हूँ, पीपल एंड एनवायरमेंट ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। कीवर्ड के साथ करेंगे तो हो जाएगा फिर, ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करे थे हमने शाम को उसी के ही फिर। ठीक है, हाँ कीवर्ड के साथ करना। पीपल एंड एनवायरनमेंट ना बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, एक आधा बन जाता है जनरल अवेयरनेस से, और हायर एजुकेशन में भी एक आधा क्वेश्चन बनता है जनरल अवेयरनेस से। मीन्स ज्यादा अगर कोई इजी यूनिट है तो वो पीपल एंड डेवलपमेंट है। मैंने खुद अपने टाइम में नहीं पढ़ी, मीन्स उतनी डिटेल में नहीं पढ़ी, बट इस बार जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो सारी यूनिटों से इजी यूनिट है, और चीजों में तो हर चीजों में इतना ज्यादा याद करना पड़ता है ना बहुत चीजों को, बट इसमें याद करने वाला नहीं, इसमें तो समझने वाला ही है वैसे, कि गैसेस क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जियोथर्मल क्या है, पॉल्यूशन क्या है, थोड़ा थोड़ा। मैम शिमला में नवरात्रि नहीं होते? होते हैं नवरात्रे तो, होते हैं, होते तो है नवरात्रे। ओके जी, यस मैम समझ आया था। ठीक है जी। ओके तो आज पता है कौन सी यूनिट करने वाले हम? न्यू यूनिट करने वाले हैं आज, यूनिट 3 आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं, जिसमें फ्री के नंबर दो बिल्कुल भी मत छोड़ना। डाटा इंटरप्रिटेशन होगी फ्री का नंबर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फ्री के नंबर है इसमें, और बहुत अच्छे खासे नंबर है। मीन्स के 20 मार्क्स है आपके इसमें, 20 मार्क्स बहुत होते हैं आरसी। हाँ जी ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हो? अभी ना आपको क्लास के बाद पॉल्यूशन का, मैं जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन था ना, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, उसकी पीडीएफ भी दे दूंगी, ठीक है? क्लास के बाद दूंगी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कल दे दूंगी फिर पीडीएफ। आज फोल्डर फोल्डर भी कल ही बनाऊंगी, कल ही दूंगी फिर पीडीएफ, ठीक है? रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक तो दो दिन में ही हम कंप्लीट करेंगे। एक आज का यूनिट 9 हो गया कंप्लीट। नहीं, त्रिपाठी जी यूनिट 9 कंप्लीट नहीं हुआ है संडे आज, तो सिर्फ 2 संडे हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मीन्स इस संडे और नेक्स्ट संडे, ठीक है? क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में समझाने वाला कुछ नहीं है। आपने पैराग्राफ किए होंगे, +1 +2 में किए होंगे आप लोगों ने, 10th में भी की होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें ज्यादा समझाने वाला कुछ नहीं, इसमें आपकी खुद की मेहनत है और इजी आता है। और जो अभी मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना, नहीं, अभिषेक जी खत्म नहीं हुई है यूनिट 9 आपकी। यूनिट 9 आपकी मंडे से, हम मंडे टू सैटरडे तक कम्प्लीट कर देंगे यूनिट 9, और 2 जो हमारे पास संडे है, एक ये वाला संडे और नेक्स्ट संडे, उसमें करेंगे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और ये जो आज मैं पैराग्राफ लेकर आई हूँ ना आप लोगों के लिए, वो पैरा, हाँ ट्रिक बता दूंगी आरसी की। हाँ जी ओनली ट्रिक, ठीक है? और जो आज मैं आप लोगों के लिए पैराग्राफ लेकर आई हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ये यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए पैराग्राफ है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से पैराग्राफ आते हैं। स्कूलों में की होगी आप लोगों ने, +1 +2 में आती थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो, अब मैं आपको ना एक हल्की सी स्ट्रेटेजी बता दूं थोड़ी सी एग्जाम के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि 1 महीने बाद आपकी एग्जाम है, ठीक है? ओके, मेरे मुझे ये जो मैंने आपको बातें बोली थी, कोई फॉलो कर रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हो आप लोग? 3 3 घंटे का स्लॉट बोला था मैंने।
3 घंटे का नहीं होता स्लॉट, तो एक एक घंटा या फिर ऐसे करके दो दो घंटे का स्लॉट बनाओ, बनाए स्लॉट मीन्स 2 घंटे फिर हिलना नहीं है उठना नहीं है। एक मिनट में फोन में चेक कर लूँ एक बार ना, मैसेज शो नहीं हो रहे नहीं तो मुझे। मंडे को नहीं है टीटू सर की क्लास, मंडे ट्यूसडे एंड आपकी वेडनेसडे जीतू सर की क्लास है यूट्यूब पर। ऐप पर तो मेरी होनी है मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू, और यूट्यूब पर होनी है मेरी थर्सडे टू सैटरडे, ठीक है। अब यूट्यूब मैसेज पर शो नहीं ऐप हो पर रहा। तो मेरी होनी है। मैसेज शो नहीं हो रहे आपके ना, क्या किया जाए फिर। मैम साथ साथ में कर रहे हैं, साथ साथ में कर रहे हैं, ठीक है जी। चौधरी जी का मैसेज शो हुआ अभी मुझे। ओके ठीक है। हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने और कॉन्सेप्ट क्लेरिटी रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथ में एक चीज बताती हूँ, देखो पेपर वन की आपकी कितनी यूनिट है थोड़ा सा सुन लेना, ठीक है फायदे में रहोगे। पेपर वन की आपकी है 10 यूनिट, ठीक है 10 यूनिट्स हैं। क्वेश्चंस कितने आने हैं यहाँ से आपके, 50 क्वेश्चंस आने हैं, और ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स, क्लियर है। और JRF के लिए आपको कितने क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए, 35, ठीक है। और पेपर टू में आपकी कितनी यूनिट है, ऑल्सो आपकी 10 यूनिट है पेपर टू में। ओके जी, क्वेश्चन कितने आने आपके, 100, और ईच क्वेश्चन इज आपका 2 मार्क्स, कितने मार्क्स बने, 200 मार्क्स, और ये हो गए आपके 100 मार्क्स, ठीक है। ओके अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए वो होने चाहिए आपके 80 to 90 JRF के लिए, ठीक है। इतना मिनिमम रहता ही रहता है, बाकी कट ऑफ पे डिपेंड ऊपर नीचे जाएगा। अब अगर 35 क्वेश्चन है सपोज, अगर आपको इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास ओनली 1 मंथ बचा है, अगर आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग वीक है ना तो आप छोड़ सकते हो इसको, बट तभी छोड़ सकते हो अगर आपकी पूरी की पूरी 9 यूनिट्स पे कमांड है, समझ रहे हो। रिसर्च टीचिंग और आप लोगों के इन यूनिट्स पे अगर कमांड है तभी छोड़ सकते हो मैथमेटिकल रीजनिंग, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, कई बार तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से। DI को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इजी DI आती है, लगता है आपको कि हाँ DI टफ आता है, अगर आपने DI को सीखना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितनी भी DI दी है ना, 15 16 20 25 जितनी भी दी है उनको लगाओ। एक दिन में जब मैं डाटा इंटरप्रिटेशन करती थी, मैं एक दिन में 5 5 6 6 DI लगाती थी, मीन्स 5 5 का रखो आप, 5 5 25 क्वेश्चन लगाती थी मैं एक दिन में, ठीक है। और RC, RC की प्रैक्टिस कर लेना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इवन जो आपकी फिलर फॉर्म की बुक है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, बस पैराग्राफ पढ़ने हैं आपने और कुछ नहीं करना। और एक चीज मान लो, अगर आपको पैराग्राफ पढ़ने में प्रॉब्लम, मैम जनरल वालों के लिए कितना कट ऑफ है, इतना ही है मैंने बोल दिया, चाहे आप SC कैटेगरी हो मीन्स आपका चाहे कोटा है चाहे फिर आपका जनरल कैटेगरी है, 35 तो मिनिमम आपका पेपर वन में सही होना चाहिए JRF के लिए, ठीक है। बाकी ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें 5 5 नंबर का फर्क रहेगा, अगर SC वाले हैं तो 30 रख लो आप, और अगर फिर आपको सेकंड पेपर में भी, बट पेपर फर्स्ट जो है ना आपका JRF लेकर आएगा आपको, पेपर फर्स्ट जो है। मैम वाई आर यू सो मच ऑलराउंडर, ऑलराउंडर नहीं अभी ज्ञान मिश्रा जी, ऑलराउंडर तो नहीं हूँ वैसे मैम, ओनली संडे को RC, हाँ ओनली संडे को, 2 दिन की बात है, सुनो पहले मेरी बात को ना प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग में मैंने क्या बोला, 3 या क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनते या 4 बनते, सम टाइम तो 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से। अगर आपकी 9 यूनिट पे कमांड है तभी छोड़नी है मैथमेटिकल रीजनिंग, अगर कमांड नहीं है तो कर लेना, ठीक है। मीन्स आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है और नहीं हो पाएगा तो छोड़ सकते हो मैथमेटिकल रीजनिंग। DI को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बोला कि एक दिन में 5 DI लगानी है,
पांच का मतलब पांचों पांचों 25, ठीक है। और आरसी को भी बस पैराग्राफ पढ़ने हैं, ठीक है। मीन्स दो तीन, जैसे मान लो आपका दिसंबर में एग्जाम है ना, तो आपने क्या करना, नवंबर में सारी रिवीजन कर लेनी, दिसंबर में आपने आरसी पढ़नी है, क्योंकि 6 दिसंबर को एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में रख लो आप अपनी आरसी और डीआई करनी है, आरसी और डीआई की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आरसी और डीआई की प्रैक्टिस करनी है। बाकी नवंबर में आप और जितनी भी आपकी पेपर वन की यूनिट है, पेपर टू की यूनिट है, उनको कवर कर लो। 6 5 दिन रखो, क्योंकि 6ठे दिन तो आपका एग्जाम होना है, 6 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है। 5 डेज रखो आपने आरसी और आपने डीआई करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स एक दिन में तीन तीन पैराग्राफ पढ़ लिया करना, और एक दिन में आप तीन तीन या चार चार डीआई लगा लिया करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगानी, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली डीआई लगाओ, बस वही रिपीट होती है, वही फॉर्मेट है, सब कुछ वही होता है। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अभी तक मेरा जो डीआई है, डीआई में मेरे फुल मार्क्स आते हैं, और मैंने कभी एक्स्ट्रा डीआई नहीं किया है, पता है आपको, कभी भी नहीं की मैंने। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो डीआई थी ना 25 30, वो करी थी सॉल्व, 25 से 30 डी आई थी, वो सॉल्व कर रहा था, बाकी कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने की नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं की थी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए थे मैथमेटिकल रीजनिंग के, वो भी बहुत कम, पर डाटा इंटरप्रिटेशन मेरा कैसे स्ट्रांग हुआ, मैंने 25 30 क्वेश्चन, 25 30 डी आई मीन्स की 25 x 5 कर लो आप लोग, ठीक है, या 30 x 5 कर लो, 5 क्वेश्चन होते हैं एक डी आई में, सिर्फ वो किया था, और मेरा डी आई हमेशा सही होता है। चाहे किसी भी शिफ्ट का डाटा इंटरप्रिटेशन करवा लो, और कॉमर्स में बहुत टफ आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, कॉमर्स वालों का ज्यादा टफ आता है अगर आप देखोगे, हिंदी वालों का बहुत इजी आता है, और जितनी भी स्ट्रीम्स है उनका डाटा इंटरप्रिटेशन टफ आता है। मैंने कॉमर्स वाले डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व किए, और उस वजह से मेरी डीआई पे कमांड बहुत अच्छी होगी। मैं मेरे 7 यूनिट कंप्लीट है अच्छे से, वेरी गुड चौधरी जी, वेरी गुड। अब 7 यूनिट कंप्लीट है विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की ओनली कंसेप्ट और रिविजन। हाँ जी, रिपीट डीआई नहीं होता रिपीट सृष्टि जी, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो फॉर्मेट होता है ना, वो रिपीट होता है, जो कंसेप्ट है, जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस डेफिनेटली पूछेगा, परसेंटेज डेफिनेटली पूछेगा, रेशो डेफिनेटली पूछेगा डाटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। और क्या होता है आपका, परसेंटेज रेशो और ये वाला एक दो क्वेश्चन और होता है, परसेंटेज और आपका रेशो और प्रॉफिट एंड लॉस तो डेफिनेटली पूछता है आपसे, या फिर डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम, वो तो डीआई के वो टाइप है ना। फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में टेबल डीआई भी पूछा गया है, पाई चार्ट भी पूछा गया है, ठीक है, वो सारे डीआई पूछे गए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए थे मैंने, 25 30 डीआई लगाई थी, और वो हमेशा रिपीट, कंसेप्ट रिपीट होता है। मैम मेरे तो ओनली 4 यूनिट कम्प्लीट है, वो भी विदाउट पीवाईक्यूज। टफ हो जाएगा प्रेरणा जी, टफ हो जाएगा बहुत। अच्छा, 4 यूनिट कंप्लीट है, तो 4 ये कर लो, 5 यूनिट नवंबर में कर लो, पूरा महीना पड़ा है, 1 महीना बहुत होता है यार। मैं अपनी बात बताऊं कि अगर देखो आपको पढ़ने की आदत है, मैं तो एक दिन में तीन तीन चार चार यूनिट कर लेती हूँ, एक दिन में 3 यूनिट अगर मैंने पढ़ाई करनी हो तो, तीन तीन यूनिट। अभी जिस टाइम मेरा कमीशन का किस चीज का एग्जाम था, पीएचडी का था, कमीशन का पीएचडी का था, उस टाइम मैंने एक दिन में तीन तीन यूनिट करी है। डीआई रिपीट होता है पक्का, डेटा इंटरप्रिटेशन एज इट इज, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट एज इट इज परसेंटेज का जो फॉर्मूला वहां पे लगाया होगा आपने, वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मींस की कंसेप्ट रिपीट होगा, परसेंटेज पूछा जाएगा, रेशियो परसेंटेज और आप लोगों से प्रॉफिट एंड लॉस डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये तीन क्वेश्चन पक्के हैं जो पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ बस डीआई के, हो जाएगा डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना, 25 30 जितनी भी डीआई आज तक पूछी गई है, 2023 वाले लगा लो सारी शिफ्ट के, क्लियर है, या फिर 2022 से लेकर 2022 23 और 2018 वाले लगा लो, 18 से लेकर 23 तक के, नहीं लगाने 18 वाले, नहीं लगाने 22 वाले, 2023 के लगा लो डाटा इंटरप्रिटेशन। मैम मुझे कोई सुजेशन दीजिए प्लीज। किस बात में प्रेरणा जी, सुजेशन तो यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी। टीचिंग कंप्लीट करवाया है आपका, रिसर्च भी करवाया, कम्युनिकेशन भी करवाया, पीपल एंड डेवलपमेंट चल रहा है हमारा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई को तो आप साइड में रख दो, तो दिसंबर में कर लेना। डाटा इंटरप्रिटेशन और डीआई को अगर आप करना चाहते हो डाटा इंटरप्रिटेशन, तो डेली करो, एक 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 डाटा इंटरप्रिटेशन करो डेली। और बाकी आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करो, फिलर फॉर्म पे पढ़ाया नहीं है, सेकेंड पेपर क्या है आपका,
देखो जो फिलर फॉर्म पे पढ़ाया, एक तो वो मंजू मैम ने भी पढ़ाया होगा, जीतू सर ने भी पढ़ाया होगा, बाकी मैंने भी, ठीक है। और सेकंड थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, बस सिलेबस कंप्लीट। यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब नहीं है, यहाँ पे तो भाई रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने पड़ते हैं। सिलेबस चाहे 50% ही किया हो, बट अगर रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं किए ना, तब नहीं होगा। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ बस, और उसी के साथ साथ टॉपिक भी सर्च करते रहो। जो आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं है, उसको सर्च कर लेना। बाकी कंसेप्ट और आपकी रिवीजन ये तो हो ही रही है फिलर फॉर्म पे, पीडीएफ भी है ही आपकी फिलर फॉर्म पे। एक दिन में प्रीवियस ईयर, देखो मैंने कैसे बोला था कल आप थे क्लास में कि नहीं थे, सिलेबस कंप्लीट करना है अगर तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 घंटे दो पेपर वन के लिए, मुझे नहीं पता आपका जो भी सुटेबल टाइम है, पर देने ईमानदारी के साथ 3 घंटे दो पेपर टू के लिए, 6 घंटे हो गए, 3 घंटे दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, बस ये स्लॉट बनाओ। अगर ये 3 घंटे वाला टफ लग रहा है तो 2 घंटे दो पेपर वन के लिए, डेली पढ़ना है पर कंसिस्टेंसी के साथ, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, इवन देन योर संडे, संडे ऑल्सो, आपके लिए कोई संडे मंडे नहीं है। 1 महीना रह गया, 1 महीने कर लो मेहनत अच्छे से, पूरी जिंदगी बैठ के खाओगे, मतलब बैठ के तो नहीं पर इजी हो जाएगा। पेपर सेकंड 2 घंटे दो, और पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 2 घंटे दो, इससे कम तो नहीं मैं टाइम दे सकती, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 2 घंटे दो, ठीक है। हाँ जी जोया जी, करते हैं स्टार्ट, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो बोल रही हूँ मैं, कि किस तरह से तैयारी करनी है। सिर्फ 1 महीना है आप लोगों के पास, इस तरह से करो। अब मुझे नहीं पता आपने मॉर्निंग में बनाना है, इवनिंग में बनाना है, जैसे भी, बट कंसिस्टेंसी के साथ, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन आपने नहीं पढ़ाई की तो सेकेंड डे उसका डबल पढ़ना, फिर या सिर दर्द होगी या जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कुछ भी हो गया। अब मेरा क्या था, अगर बाई चांस मेरा संडे सम टाइम मिस हो जाता था पढ़ाई के लिए, तो मैं मंडे को फिर डबल मेहनत करती थी। ठीक है, करते हैं फिर स्टार्ट। मैम मेरा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी, ठीक है। चलो जो भी आपका सेकंड पेपर, 3 घंटे अगर ज्यादा लग रहे तो 2 2 घंटे दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और स्लॉट है ये, एक दिन में कवर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, पहले ऐसा नहीं करना कि बस मैं आज पेपर वन पढ़ूंगी आज पेपर टू पढ़ूंगी, ये तीनों चीजें साथ चलनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर मान लो मेरा टाइमिंग था 7 to 9 मॉर्निंग वाला, पेपर वन था मेरा या फिर पेपर टू था, ठीक है, ये तो मेरी खुद की मर्जी होती थी। फिर था मेरा 12 से लेकर 2 बजे तक, फिर था मेरा इवनिंग में, तो मैं प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर ही लगाती थी 4 से 6। उसके अलावा, अब उसके अलावा जो ये 10 बजे का रात का टाइम है ना, 10 से 11 12 2 3 4 बजे तक, इसमें भी मैं पढ़ती थी, पढ़ाई करती थी मैं 2 बजे तक 3 बजे तक, जैसे मेरे को रात को जाग आती थी उठ के पढ़ने बैठ जाती थी मैं, 2 बजे मेरे को जाग आ रही है मैं उठ जाती थी, 1 बजे जाग आ रही है मैं उठ जाती थी। मीन्स कि ये 10 से 4 बजे का टाइमिंग भी ऐसा था जो मैं पढ़ाई करती थी। जैसे मान लो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, रील्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या जो जो, पर मैं ना उसमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट जो भी लगता था, मतलब मैं पढ़ती रहती थी, बस ये था मेरा, पढ़ती रहती थी मैं बीच बीच में। हाउस वाइफ हूं मैं, ओके हाउस वाइफ हो आप, 2 2 घंटे का स्लॉट बनाओ, मॉर्निंग का, डे का, और आपका इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, 2 2 घंटे का स्लॉट बनाओ। दो दो का नहीं बनता, एक एक घंटे का बनाओ, रात को 10 से 12 बजे का बनाओ, ठीक है, 10 से 12 का बनाओ रात को। मॉर्निंग में बना लो आप ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट जब भी आपका होता है उसका स्लॉट बनाओ। सोना 7 से 8 घंटे है, ठीक है, सोना जरूरी है। 7 घंटे, देखो 24 घंटे मिले ना, मुझे नहीं पता आपने इन 24 घंटों को कैसे डिवाइड करना है, 7 घंटे इन 24 घंटों में सोना है, 7 घंटे आप अपना काम कर लो, घर बार का जो भी है, आपके बच्चे, खाना पीना, ठीक है, 7 8 घंटे पढ़ाई के लिए दे दो। हाँ टाइम देना पड़ेगा ऑनेस्टी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, कि भाई उस टाइम में मुझे कोई भी परेशान ना करे। अब एक मूवी है, 3 घंटे की मूवी होती है, हम टाइम निकालते हैं ना, 3 घंटा हम पूरा मूवी को देते हैं, तो क्यों ना वो 3 घंटे हम पढ़ाई में यूटिलाइज करें। 4 घंटे सोती हूँ मैं, वेरी गुड त्रिपाठी जी, आप तो बहुत ग्रेट है, फिर 4 घंटे सोते, मैं तो भाई 7 8 घंटे, 6 6 घंटे तो मैं डेफिनेटली सोती ही सोती हूँ।
एग्जाम के टाइम भी मैं 6 घंटे तो सोई सोई हूँ। बस जब बहुत ज्यादा नजदीक थे, 10-15 दिन थे, तब मैं 4 घंटे सोई थी। जब बहुत ही ज्यादा मीन्स ऐसे रखो एक एक हफ्ता रह गया था, तब मैं 4 घंटे सोई थी। नहीं पता ही नहीं कब कब सोती थी, कब कब जागती थी, बोलती रही जैसी जागती थी पढ़ाई शुरू। ठीक है करते जी अब स्टार्ट। टाइम हो गया 7:20। ओके अब है जी आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट, सभी थम्स अप दे दो। ये स्ट्रेटेजी है हमारी एग्जाम के लिए 1 महीना। ठीक है स्लॉट बना लो अपने टाइम के, जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 PYQs, और एक दिन में ये तीनों काम करने हैं। पेपर 1 नहीं करोगे मारे जाओगे, पेपर 2 नहीं करोगे मारे जाओगे, PYQs नहीं करोगे मारे जाओगे। एक दिन में 3 काम करने हैं, पेपर 1 पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बस। ठीक है तीनों काम करने हैं और तीनों काम के लिए एक एक स्लॉट बना के रखना है। पेपर 1 का स्लॉट अलग, पेपर 2 का स्लॉट अलग, PYQs का स्लॉट अलग। क्लियर है सभी को? ओके यस थम्स अप दे दो अभी सभी, थम्स अप दे दो सभी। देखो माइंड पे डिपेंड है, माइंड को जैसी कमांड दोगे माइंड वैसा ही करेगा। माइंड को कमांड दोगे मौसम खराब, ये वो सो फलाना ढिमकाना नींद जो भी है, तो वैसा ही काम करेगा। अब मौसम तो यहाँ भी खराब है, इतनी ठंड में बैठी हूं, तो क्या माइंड को कमांड देनी पड़ती है ना कि नहीं करना है मुझे। ठीक है ओके थम्स अप दे दो सभी। ये है आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको पढ़ो। और एक चीज अब देखो हमारी यूनिट 3rd है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 8 बजे आज किसी की क्लास है कि नहीं है कि ले ली जाए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम? यूनिट 3 है आप लोगों की, ठीक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब यहाँ पे क्या करना है जी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में ना इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले पढ़ो। पहली ट्रिक क्या रहने वाली है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, पहले पढ़ना है जी क्वेश्चन। एग्जाम में इतना टाइम नहीं, जैसे +1 +2 में होता था ना पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते थे फिर जाके हम क्वेश्चन पढ़ते थे, नहीं भाई इतना टाइम ही नहीं होता। 5 मिनट में इवन देन, जब मैंने मेरे पेपर 1 का था, मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 2 में 2 आती है, पेपर 1 में 1 आती है। आप यकीन नहीं मानोगे सिर्फ मैंने 10 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थी, 10 मिनट में हो गए थे सारे क्वेश्चन ठीक मेरे। थैंक गॉड कि सारे क्वेश्चन ठीक थे रीडिंग। और मैंने क्या किया था, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर वहां से फटाफट करके छांटो, यहाँ पे चूज करो कि क्या है। अब देखो ये इंग्लिश में देख लो एक बार, हिंदी में देख लो एक बार हल्का सा, ठीक है पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि उसके क्वेश्चन के साथ साथ ना पूरा पढ़ लोगे। अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक, आप एक्स्ट्रा ले लीजिए मैम, आप एक्स्ट्रा टाइम ले लेना। एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं ले सकते ना जी, तो सर ने मुझे बोलना कि 1 घंटे का टाइमिंग है, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है करते जरा कुछ, वैसे तो आज संडे है। क्वेश्चन पढ़ो पहले ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये हिंदी और इंग्लिश में। और एक चीज, अगर आपको, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, इंग्लिश में नहीं आपसे सॉल्व होती रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आप हिंदी में भी कर सकते हो। ठीक है हिंदी में नहीं सॉल्व होती तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। ओके बट क्या करना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वहां पे कि हम पूरा पैराग्राफ पढ़ सके, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ये ट्रिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद पैराग्राफ में जाओ, पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन से ही पढ़ लोगे आप फिर सारा का सारा, क्योंकि टाइम की वजह से। हाँ अगर आपके पास टाइम है तब तो पहले पैराग्राफ पढ़ो, पर अगर टाइम नहीं है, वैसे टाइम मिलता भी नहीं है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटा ऐसे लगता है कि कम ही है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कम्युनिकेशन में पढ़ा हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है। गद्यांश में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। अब आपके पास एक रफ पेज मिलता है वहां पे ना, हल्का सा लिख लेना अपने अपने पास रफ, जैसे एमरजेंस ऑफ द फर्स्ट सिटीज और न्यूक्लिक रिवॉल्यूशन, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, और ये वाला सिविलाइजेशन, सिटीज विच फ्लोरिश्ड इन क्रेट। ठीक है जो आपकी कंट्री है, तो हल्का सा ना रफ पे लिख लेना है कि क्या क्या पूछा गया, और इसको क्रोनोलॉजिकल में डालना है। ठीक है डेट वाइज चले, अब देखिए इसको। हाँ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। गॉर्डन
चाइल्ड यूज द टर्म अर्बन रिवॉल्यूशन टू डिस्क्राइब द चेंज इन सोसाइटी मार्क्ड बाय द एमरजेंस ऑफ द फर्स्ट सिटीज कम, ये पूछ रहा है ना, एमरजेंस ऑफ द फर्स्ट सिटीज कम 5500 ईयर्स अगो, 5500 ईयर अगो, द एरियाज दैट वॉज विटनेस दिस प्रोफाउंड सोशल इकोनॉमिक चेंज वर मेसोपोटामिया, द वैलीज ऑफ द टिग्रेस एंड यूपेथ्रेट रिवर्स, द लोअर नील वैली, द प्लान ऑफ रिवर्स इंडस लेटर, ये वाला अंडर सिविलाइजेशन ऑफ डेवलप्ड अराउंड, ये नहीं है, द येरो चाइना इन साउथ ईस्ट एशिया अमेरिकन्स, द फर्स्ट सिटीज मेनली इमर्ज इन द एरिया दैट आर नाउ कंसिडर्ड टू बी LICs, द कैटलिस्ट फॉर द पीरियड ऑफ रैपिड चेंज. हिंदी में भी बताऊंगी, वॉज द न्यू सबसे पहले ये वाला आया जी आपका, रैपिड चेंज वॉज द न्योलिथिक रिवॉल्यूशन विच अकर्ड अबाउट 8000 BCE. दिस वॉज वेन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन द एनिमल्स ऑफ फार्मिंग रिप्लेस्ड वे ऑफ लाइफ. दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा? हाँ, हिंदी में भी बताती हूँ, वेट करो थोड़ा सा, इंग्लिश देख लेना पहले. बेस्ड ऑन फार्मिंग एडवांस इरीगेशन टेक्निक वर डेवलप, अदर मेजर एडवांटेजेस दैट फॉलोड वर द सेलिंग बोट एंड हाउ एवर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इन अबाउट 4000 BCE, 8000, 4000. ठीक है, ये अंडरलाइन करके दे रही हूँ मैं. फॉर इट वॉज इन द मिलेनियम आफ्टर द सम ऑफ विलेजेस ऑफ, आपने भी पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है आपने भी, कि मैं मन में पढ़ू, मन में पढ़ती हूँ ना, से डिस्टर्ब हो जाओगे आप लोग. अब इस एक क्वेश्चन ने ना पूरा पैराग्राफ पढ़ा दिया आपसे, अब देख लो, ऐसे टाइम वेस्ट होता अगर हम पहले पढ़ते. ये था जी आपका इंग्लिश में, चले अब हिंदी में, कम दिख रहा है मैम, अब चलते हैं हिंदी में. ठीक है, ऐसे करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैराग्राफ पढ़ना है, और अंडरलाइन करना है, और रफ नोटबुक में जैसा कि मैंने बोला ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा है. बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले आपका बी, और बी एक तो यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो. ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कि हाँ पूरा दिन ही लगा दिया. बी के बाद क्या है आपका, एमरजेंस ऑफ द फर्स्ट सिटीज. ठीक है, ये भी हमने देखा था, अंडरलाइन किया था, और लास्ट में क्या था आपका, डी था. तो यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, अभी रहने दो, अभी हिंदी में देख लेते हैं, नहीं तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी. लो, हिंदी वाले देख लो, क्वेश्चन पढ़ना है मैम हिंदी में, पढ़ाइए. अच्छा, हिंदी में खुद पढ़ा के करूँ, खुद पढ़ो आप ना, फिर आपकी वो दिमाग आपको पता लगेगा कैसे मैं मन में पढ़ रही हूँ. अगर मैंने पढ़ा दिया ना सारा, फिर क्या फायदा, खुद पढ़ो. और एक मिनट, इसको ना रफ पे लिख लेना, ये जैसे प्रथम नगरों का उद्भव, नवपाषाण क्रांति, लेखन का आविष्कार, मिनोपन, मतलब ऐसे शॉर्ट में लिखना है, जैसे प्रथम नगरों का, ऐसे करके शॉर्ट में जो आपके पास रफ दिया होगा वहां पे. ठीक है, नवपाषाण, वैसे तो मैं लिखती नहीं थी, बट कई बार मुझे तो माइंड में याद रह जाता है ना. अब आप लोगों का नहीं पता कि आपको माइंड में याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जो आपके पास रफ कागज मिलता है वहां पे एग्जाम में, तो ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर वन, और जो भी है आपने मीन्स कीवर्ड टाइप लिख लेना. ठीक है, क्वेश्चन को और क्वेश्चन के जो यहाँ पे ऑप्शन दिए उनको भी कीवर्ड टाइप में लिख लेना, ऐसे वाले क्वेश्चन में, वन लीनियर में तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. लेखन का आविष्कार हो गया और म्यूऑन वाला, ठीक है, ऐसे करके लिख लेना म्यूऑन वाला. अब इनको किस में करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, मीन्स की अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ईयर. क्रोनोलॉजी का पता ही आपको, हमने किस में पढ़ा था आपका, कम्युनिकेशन में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ईयर, अकॉर्डिंग टू पीरियड. ठीक है, इस ये होता है ना हमारा क्रोनोलॉजिकल, हमने उसमें पढ़ा था कम्युनिकेशन में. ठीक है, तो अब चलो हिंदी में देख लो एक बार. अच्छा, आंसर दे दिया, ए ए ए आंसर भी दे दिया कुछ ने, बड़े तेज हो रहे हो. हिंदी में देख लो एक बार, इंग्लिश में ना समझ आए हिंदी में भी स्विच कर लेना. यहाँ पे तो हम टाइम लगा रहे हैं, बट वहां पे टाइम नहीं लगाना है इतना, थोड़ा फास्ट रखना है. इसमें फ्री के नंबर और इजी होती है आरसी, ज्यादा टफ नहीं होती, इजी होती है, बस
ध्यान देना पड़ता है, इसमें सबसे ज्यादा माइंड लगता है। मीन्स ध्यान, जैसे हम बोलते हैं ना ध्यान लगाना, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान लगता है, बड़े ध्यान पूर्वक करना ही है। अब देखो खुद पढ़ोगे आप, मैं मन में पढ़ूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ना आपका माइंड यूज हो इसमें। एक ही, भले ही आज हम एक ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, पर करेंगे अच्छे ढंग से ताकि आपके नंबर ना यहाँ से मिस हो। मैम फर्स्ट ऑप्शन में ही स्टार्टिंग में ए है, तो बाकी के ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। क्यों है फर्स्ट ऑप्शन में डी ए, स्टार्टिंग में ए है। पहले बी आएगा, पहले ये वाला आया था पहले। ये देखो, तीव्र परिवर्तन की अवधि के लिए उत्प्रेरक नवपाषाण क्रांति थी जो लगभग 1800 1800 ईसा पूर्व थी। ये आएगा सबसे पहले ऑप्शन। तब यह तब था जब जानवरों को पालतू बनाने और अनाज की खेती पर आधारित गतिहीन कृषि ने खाना बदोश जीवन शैली का स्थान ले लिया। जैसे जैसे खेती उत्पन्न हुई, सिंचाई तकनीकें विकसित हुई। इसके बाद हुई अन्य प्रमुख प्रगतियां थी, बैल से खींचा जाने वाला हल, पहिए वाली गाड़ी, नौकायन नाव और धातु विज्ञान। हालांकि यकीनन सबसे महत्वपूर्ण विकास लगभग 4000 ईसा पूर्व में लेखन का आविष्कार, ये देखो ये हुआ 4000 में, क्योंकि इसके बाद की सहस्राब्दी में टाइग्रेस और यूफ्रेस नदियों के बीच जलोढ़ मैदानों पर स्थित कुछ गांवों का आकार बढ़ गया और कार्यों में बदलाव आया। शहर के वर्गीकरण के युग, पहले शहरों की तुलना में काफी बाद में व्यापारिक केंद्र विकसित होने लगे। म्यून म्यून सभ्यता के शहर नासोस और फिस्टोसस, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की, ये वाला आया था फिर, ठीक है सबसे लास्ट में आया ये वाला। पहली 6 माही के दौरान क्रेत में फले फूले, ये लास्ट में, ने अपनी संपत्ति समुद्री व्यापार से प्राप्त की। इसके बाद पहले से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर शहरी व्यापारिक प्रणालियों को विकसित करने की बारी यूनानी और फिर रोमन में की थी। राइट जो आपका इसका आंसर है ना वो डी है आपका। पहले आएगा नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बी, ठीक है, नवपाषाण क्रांति आएगा आपका पहले नंबर पे क्रोनोलॉजिकल अंडर इस पे। फिर दूसरा आएगा एमर्जेंस ऑफ द फर्स्ट सिटी, प्रथम नगरों का उद्भव, ये आ जाएगा आपका। फिर तीसरे नंबर पर आएगा आपका ये इन्वेंशन इन राइटिंग, और डी तो आपका लास्ट में आना था। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे डी। और इस एक क्वेश्चन ने आपसे पूरा पैराग्राफ पढ़ा दिया। अगर आपने पूरा पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करके भी पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आप और क्वेश्चन का आंसर भी दे लोगे इजिली। यस राइट आंसर हो जाएगा जी आपका डी, ठीक है, बी नहीं होगा राइट, डी है राइट। तभी मैंने बोला था कि एक तो ये वाली ऑप्शन चली जाएगी, एक ये वाली ऑप्शन चली जाएगी, हमारे पास ओनली बचती है बी एंड डी, इसमें से हमें चूज करना था। तो डी ऑलरेडी आपको मैंने बोला कि लास्ट में, ये देखो यहाँ पे डी, ये लास्ट में म्यून वाला, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ये लास्ट में है यहाँ पे। तो आपको पता है कि सिर्फ आपका जब ये वाली भी चली गई है, ये भी चली गई है, तो यहाँ पे तो ए है लास्ट में, यहाँ पे डी है। मीन्स जल्दी जल्दी करना है, ये नहीं कि आप सारी ऑप्शन ढूंढते रहे। अब मैं क्या करूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज होना है ऐसे क्वेश्चनों में, तो फटाफट से करना है। इसमें तो हमने टाइम लगा दिया ना काफी, ये रखो 1 मिनट के अंदर करना है आपको, ये क्लियर है। एलिमिनेशन मीन्स ऐसा होना चाहिए आपका कि क्वेश्चन एक कहाँ है मैम, ये जो क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन ये है ना आपका, ये पहले शहरों की तुलना। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, अब सारे क्वेश्चन इजी है आपके इसके बाद के। वन लीनियर, द टर्म एल आई सी इन द पैसेज मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट, ये एल आई सी हमने देखा था,
परिच्छेद में LIC शब्द सबसे अधिक संभावना दर्शाता है। कहाँ देखा था हमने LIC? कहाँ था आपका LIC? यहीं था ना कहीं ऊपर, हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो LIC, ये देखा था ना हमने यहाँ पे LIC। अब इसने यहाँ पे इसके आसपास जाना है आपने, ठीक है, इसके आसपास जाना है। इन द येलो रिवर वैली ऑफ चाइना इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इन द अमेरिकन थस द फर्स्ट सिटी मेनली इमर्ज इन द एरिया दैट आर नाउ कंसिडर्ड बी LIC पीरियड ऑफ न्यू थोड़ी। ये इसको रहने दो। अब इसने ऑप्शन क्या दिए यहाँ पे? द टर्म LIC इन द पैसेज मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट, जो हमारी परिच्छेद में LIC शब्द सबसे अधिक संभावना दर्शाता है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे और यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि ये है LIC, तो इससे पहले वाली लाइन पढ़ना शुरू करो। द लोअर नील वैली द प्लेन्स ऑफ द रिवर इंडस लेटर अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड द इन द येलो रिवर वैली ऑफ चाइना इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इन द अमेरिकन द फर्स्ट सिटीज मेनली इमर्ज इन एरिया दैट आर नाउ कंसिडर्ड टू बी LIC द कैटलिस्ट फॉर दिस पीरियड रैपिड चेंज वॉज विच अकर्ड अबाउट दिस वॉज वन फार्मिंग एडवांस इरिगेशन टेक्निक पर डेवलप अदर मेजर एडवांटेज इज वॉट। और है कहीं 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 हिंदी में देख लो अभी एक बार। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े और प्रश्न के उत्तर दे। गॉर्डन चाइल्ड्स ने लगभग 5500 साल पहले पहले शहरों के उद्भव के कारण समाज में आए बदलाव का वर्णन करने के लिए शहरी क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया जिन क्षेत्रों में सबसे पहले गहरे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को देखा गया था वे हैं मेसोपोटामिया, टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों की घाटियां। निचली नील घाटी, सिद्धू नदी का मैदान, बाद में भूमध्य सागर के आसपास, चीन की पीली नदी घाटी में, दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका में शहरी सभ्यता विकसित हुई। इस प्रकार पहले शहर मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में उभरे जिन्हें अब LICS माना जाता है। तीव्र परिवर्तन की इस अवधि के लिए उत्प्रेरक नव पाषाण क्रांति थी जो लगभग 8000 ईसा पूर्व थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कौन सी LICS माना जाता है अमेरिका में शहरी सभ्यता। इस प्रकार पहले शहर मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में उभरे जिन्हें अब LICS माना जाता है, मीन्स कि इसका मतलब है आपका लो, एक मिनट, लो इनकम कंट्री, निम्न आय वाले देश, बाद में सिद्धू और चीन, निचली बस। लो इनकम वाली कंट्रीज, लो इनकम वाली कंट्री हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। निचला इंडो चीन, ये कोई मतलब नहीं है, बाद में सिंधु और चीन, ये भी कोई मतलब नहीं है। LIC शब्द सबसे अधिक संभावना दर्शाता है लो इनकम वाले देश। लाओस भारतीय, ये तो वैसे भी नहीं आना था, ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं आना था, लाओस भारतीय चीन, ये सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हिंदी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। विच मेजर डेवलपमेंट लेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विलेज इन द प्लेन्स बिटवीन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस इनटू अर्बन सिटीज। किस प्रमुख विकास के, और जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, RC का क्वेश्चन, थोड़े से ना कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन होते हैं ये, और रफ नोटबुक पे जैसे आपको बोला था कीवर्ड के साथ लिख लेना, अगर याद नहीं रहेंगे, वैसे मुझे तो रह जाता, आपका पता नहीं। यूफ्रेट्स और टाइग्रिस के बीच के मैदानी इलाकों के गांव शहरी केंद्रों में बदल गए, कौन से थे वो? द एमरजेंस ऑफ वीलैंड, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कार्ट, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, लेखन का आविष्कार, धातु क्रम, नव पाषाण क्रांति, गाड़ी और पहियेदार का उद्भव।
उन पर। किस प्रमुख विकास के कारण यूफ्रेटिस और टाइग्रिस के बीच के मैदानी इलाकों के गांव शहरी के केंद्रों में बदल गए? देखो एक बार, इसको हम इरेज कर लेते हैं पूरा ताकि आपको क्लियरली दिखे। पहले इंग्लिश में देखो, फिर उसके बाद हिंदी में देखो, ठीक है? पहले इंग्लिश में देखो, फिर उसके बाद हिंदी में देखो। यहाँ से शुरू होगा। हाउएवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इन अबाउट 4000 BC, फॉर इट वॉज इन द मिलेनियम आफ्टर दिस। ये वाला, ये देखो, अगर हमने, क्योंकि पहले क्वेश्चन ने क्या किया, पहले क्वेश्चन ने हमारी आंखें खोल दी, उसने हमारे को पूरा पैराग्राफ पढ़ा दिया था, पहले ही क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं हमारे आंखों के सामने थी ये सारी चीजें। फिर जहां जहां पे भी, जैसे मान लो टिग्रिस और ये वाला, ये आपको करना था, कीवर्ड था ये आप लोगों के लिए, फिर इसी के अनुसार आपको इसके आगे पीछे ढूंढना था फिर सारी चीजें, ठीक है? मैं बहुत छोटा दिख रहा, हाँ छोटा तो है। अब यहाँ पे क्या है आपका, न, 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 न। टिग्रे, ये था ना, धातुविज्ञान। अच्छा, हालांकि यकीनन सबसे महत्वपूर्ण विकास लगभग 4000 ईसा पूर्व में लेखन का आविष्कार था, क्योंकि इसके बाद की सहस्राब्दी में टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच जलोढ़ मैदान पर स्थित कुछ गांव का आकार बढ़ गया और कार्यों में बदलाव आया। इसके बाद यहाँ से होना था, इसके बाद हुई अन्य प्रमुख प्रगतियां थी बैल से खींचे जाने वाला हल, पहिए वाला गाड़ी, नाव और धातु विज्ञान। हालांकि यकीनन सबसे महत्वपूर्ण विकास 4000 ईसा पूर्व में लेखन का आविष्कार था, क्योंकि इसके बाद की सहस्राब्दी टाइग्रेस और यूफ्रेस नदियों के बीच जलोढ़ मैदानों के कुछ गांव का आकार बढ़ गया और कार्यों में बदलाव आया। बस इसके आगे पीछे लाइन, जब भी आपके पास ऐसा होगा, कीवर्ड क्या है, जिसके आगे वाली लाइन है वो पूरी पढ़नी है और जिसके पीछे वाली लाइन है वो भी पूरी पढ़नी है, ठीक है? ट्रिक समझ आई? आगे वाली लाइन भी पूरी पढ़ो और पीछे वाली लाइन भी पूरी पूरी पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा था, विच मेजर डेवलपमेंट लेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विलेज इन द प्लेन्स बिटवीन ये यूफ्रेस और आपका टिग्रेस इनटू अर्बन सेंटर्स। अब ये वाली लाइन हमने पहले क्या किया, इसको हमने देखा कि हमारा कहाँ पे है यूफ्रेटिस और आपका टिग्रेस, ये कहाँ पे है, पहले हमने ये वाला देखा। इसके बाद इसकी आगे वाली लाइन भी पूरी पढ़ो और इसके पीछे वाली लाइन भी पूरी पढ़ो, तो हमें वहां पे क्या मिला, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? दिया किसी ने? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी, रेखा जी, तन्वी जी एंड करिश्मा जी, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं मैम, बहुत छोटा दिख, ये ना स्लाइड फिर पूरी नहीं आएगी ना अगर साइज इंक्रीज करूंगी मैं तो। वेरी गुड, हाँ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो आपका स्टार्टिंग में आ गया था, ये आप लोगों के लिए टाइम लगा रही हूँ मैंने, तो फटाफट कीवर्ड से हो जाना था ये तो बहुत इजी होते हैं। देखो ये चीज देखनी थी हमने, ये और इसके आगे पीछे वाली लाइन देखनी थी बस, और लगा दो फटाफट से, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होगा, पूरा पूरा पैराग्राफ थोड़ी पढ़ते रह जाओगे, एक क्वेश्चन के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ना नहीं। हाँ, जहां पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, जैसा हमारा क्वेश्चन 1 था, उसने हमारे से पूरा पैराग्राफ पढ़ाया है, पूरा पैराग्राफ पढ़ाया, बट क्वेश्चन 2 ने नहीं पढ़ाया, क्वेश्चन 3 ने भी नहीं हमारे से पूरा पैराग्राफ पढ़ाया, ये हमें कहीं देखने को नहीं मिला। और ये वाला तो काफी ऊपर था, ये वाला पहले नंबर पे था, ठीक है? पहले नहीं, हाँ वही था कहीं आसपास, पर ये था आपका लेखन का आविष्कार, डी राइट आंसर। सेकेंड, अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस वेयर अर्बन सेंटर डेवलप्ड इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इन्होंने पूछा, निम्नलिखित स्थानों को सही कालक्रम क्रम में व्यवस्थित करें जहाँ शहरी केंद्र विकसित हुए। शहरी केंद्र हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं, ये कीवर्ड है। अब ये देखो, शहरी केंद्र विकसित हुए
और यहाँ पे क्या देखोगे आप, वॉल्यूम डे वेयर अर्बन सेंटर डेवलप्ड, इंग्लिश वाले ये देखेंगे, इसको ढूंढेंगे, अब देखते जरा कौन सही निकालता है। और क्रोनोलॉजिकल पूछा है, अर्बन सेंटर डेवलप, इंग्लिश वाले ये देखो, और हिंदी वाले शहरी केंद्रित विकसित हुए, ठीक है। हाँ लेफ्ट राइट मीन्स उसके आगे की लाइन पीछे की लाइन, अगर जल्दी करना है आरसी, नहीं तो पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने लगे ना तब तो होलियाँ, वहां पे इतना टाइम नहीं क्या पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ते रह जाओगे। अच्छा और क्या लिखोगे आप साथ में, जो आपके पास रफ नोट, जी सी आर, और क्या है यहाँ पे, द प्लान्स ऑफ रिवर रिवर इंडस, ठीक है ऐसे लिख लोगे, जी सी आर, ये तो आपको पता लग जाएगा ना फिर क्या है, और प्लान्स ऑफ रिवर, प्लान ऑफ रिवर, ऐसे लिखोगे बस, पूरा पूरा नहीं लिखना, जी सी आर। अब इसको किस में करना है, हमें क्रोनोलॉजिकल में करना है, हिंदी वाले भी लिख लेना, यूनान क्रेत मीन्स यू की के आर, जो भी सिंधु, और ऐसे करके लिख लेना एक बार, ठीक है। ये सिंधु क्यों आया, सिंधु ये ना इसके साथ आएगा, सिंधु नदी का मैदान, ठीक है, सिंधु नदी का मैदान, हिंदी वाले सिंधु नदी का मैदान, नदी यहाँ आ जाएगा। ओके अब देखो पहले हिंदी में देख लें, शहरी केंद्र विकसित हुए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले ढूंढो कहाँ है यहाँ पे शहरी केंद्र विकसित हुए, यूनानी पहले आएगा और फिर रोमन, पहले यूनानी आएगा फिर रोमन आएगा, देखते जरा यहाँ पे क्या दिया इन्होंने। आ, 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 यहाँ पे है, यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन, कंसिडरेबली लेटर देन फर्स्ट सिटीज ट्रेडिंग सेंटर बिगन टू डेवलप, द मिनियन सिविलाइजेशन सिटी ऑफ कनोन्स एंड विच फर्निश्ड इन क्रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ टू द सेकेंड ड्राइव्ड देयर वेल्थ फ्रॉम मैरिटाइम ट्रेड एंड नेक्स्ट इट वॉज द टर्न टू ग्रीक, पहले ग्रीक आएगा फिर रोमन आएगा टू डेवलप अर्बन एंड ट्रेडिंग सिस्टम, पहले ग्रीक आएगा इतना आपको पता होना चाहिए, पहले आपका ग्रीक आएगा फिर आपका अर्बन आएगा, ठीक है। अब देखते हैं जरा कैसे कैसे इन्होंने किया है अरेंज, इतना तो हमें मिल गया इजीली, ठीक है। और इससे पहले हमें और क्या मिला था, जी आर क्या लिखा था हमने, सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले ग्रीक आएगा यूनान आएगा फिर आपका आएगा रोम, मींस कि ए और सी का ऑर्डर बनेगा, ए सी का ऑर्डर हमारे पास एक तो यहाँ पे है डी सी बी ए डी बी सी और ए एंड डी, तो ऑब्वियसली ए और सी का ऑर्डर, ठीक है, जो हमें इजीली मिल गया था, ए पहले ए आएगा फिर आपका सी आएगा, पहले यूनान आएगा फिर आपका रोम आएगा, ठीक है इतना पता लगे। और वैसे हमारे पास ए के ऑप्शन में बन रहा है और सी का ऑर्डर, बाकी कहीं भी नहीं है, इट मीन्स कि पहले डी आएगा फिर आपका डी आएगा फिर आपका बी आएगा, और ये तो हमने देख लिया था, देखो यहाँ पे ए, वेरी गुड अंजलि जी, अंजलि जी ने सॉल्व भी कर दिया, यहाँ पे देखो ये तो हमें लास्ट लाइन में मिल गया था सबसे पहले, जो मेरी आंखों के सामने आ गया ए सी, अगर मेरा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है ना तो टाइम वेस्ट नहीं करना फिर, यहाँ से मान लो मेरा आंसर बन रहा है ठीक है तो टाइम वेस्ट नहीं करना फिर, ये सबकी नजरों के सामने आ गया होगा वेरी वेरी इजिली। अब इन्होंने पूछा यहाँ पे दूसरी शताब्दी में 6 माह के दौरान क्रेत, ठीक है, और क्या है मिन्योन सभ्यता के शहर निकोस विर्चोस और दूसरे पहले शहरों की काफी बार व्यापारी केंद्र, मिन्योन सभ्यता के शहर नोसोस और फिस्टोस जो दूसरी शताब्दी में 6 माह के दौरान क्रेत में फूले पड़े और अपनी संपत्ति व्यापार किसके बाद कही अधिक, इससे पहले क्रेत से पहले क्या है आपका यूस्ट्रेस नदियों के कुछ गाँव का आकार बढ़ गया और खाद, हाँ ठीक है बस ए और सी से बन गया वैसे हमारा ना इजीली, ए और सी से बन गया हमारा इजीली क्रेत, ओके 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 ओके, रिवर्स 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 इंक्रीज इन साइज, कहाँ है हमारी वो रिवर्स का है, क्रेत भी मिल गया हमें, ग्रीक भी मिल गया, रोमन भी मिल गया, और क्रेत भी मिल गया हमें, ठीक है ये भी मिल गया, ग्रीक क्रेत रोम, द प्लान्स ऑफ रिवर इंडस, द प्लान्स ऑफ रिवर इंडस,
दिख रहा है किसी को कहीं पे? द प्लेन 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 प्लेन, मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पे कहीं पे। ये है रिवर्स, रिवर्स इंक्रीज साइज। ठीक है, वैसे हमारा उसी से ही हो गया। ठीक है, ए और सी से, ऊपर नीचे ऊपर क्या बोल रहे हो, ऊपर नीचे। द प्लेन्स ऑफ रिवर इंडस, कहाँ ऊपर? ये वाला द प्लेन्स ऑफ रिवर इंडस। लेटर अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड द, ओके ओके ठीक है ठीक है। वैसे हमारा ऐसे ही हो गया था कहीं ना कहीं, है ना। अब चलो ये हो गया जी आपके 5 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन हो गया आपका। राइट आंसर हो जाएगा जी आपका ए। ठीक है, पहले आएगा आपका डी द प्लेन्स ऑफ रिवर इंडस, इसके बाद आपको पता था क्रेट आया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ग्रीस आया, उसके बाद हमारे पास रोम आया। पहले हमारे पास नदी, सिंधु नदी का मैदान आया, उसके बाद बी हमारे पास क्रेट आया, फिर हमारे पास आया जी आप लोगों का यूनान, फिर आया हमारे पास रोम। और जो ए और सी वाला था, अगर हमें ये भी पता लगता लास्ट लाइन में साफ साफ दिया था तो आंसर आ जाना था कहीं ना कहीं। ठीक है, बट फिर भी एक बार ही चेक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अर्बन सेंटर इन चाइना डेवलप बिफोर दे डेवलप इन द प्लेन्स ऑफ रिवर इंडस, प्लान्स ऑफ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन से ही मैच करता है। अगर आपने प्लान्स ऑफ इंडस रिवर ढूंढना होगा तो आप ये भी कर लोगे फिर। ठीक है, प्लेन बिटवीन, फोर्थ लाइन है। अच्छा मैं देखती हूँ जरा, फोर्थ लाइन। ठीक है, मैं देखती हूँ फोर्थ लाइन, ऊपर से फोर्थ लाइन है। ठीक है रेखा जी, मैं चेक करती हूँ। 752 हो गए, 5 ही क्वेश्चन होंगे हमारे आज ना, 1 घंटे में। सोचो 1 घंटे में 5 क्वेश्चन, और 1 घंटा मिलता है पेपर 1 के लिए। अब कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी आपको, कीवर्ड लगेंगे ना यहाँ पे कि नहीं लगेंगे? अभी तो हम सीख रहे हैं कि कैसे करते हैं। अर्बन सेंटर इन चाइना डेवलप बिफोर दे डेवलप इन द प्लेन्स ऑफ इंडस रिवर। एक क्वेश्चन से ना आपका, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपने ढंग से थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू किया होता ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हो जाना। सेकंड स्टेटमेंट, ट्रेडिंग सेंटर डेवलप मच लेटर देन द फर्स्ट सिटीज। चीन में शहरी केंद्र सिंधु नदी के मैदानी इलाकों में विकसित होने से पहले विकसित हुए थे। व्यापारिक केंद्र पहले शहरों की तुलना में बहुत बाद में विकसित हुए। ठीक है, चीन में शहरी केंद्र सिंधु नदी के मैदानी इलाकों में विकसित होने से पहले विकसित हुए थे। व्यापारिक केंद्र पहले शहरों की तुलना में बहुत बाद में विकसित हुए। अब इसको पढ़ते हैं हम। गार्डन 40 साल पहले शहरों के उद्भव कारण बदलाव करने के लिए शहरी क्रांति का इस्तेमाल किया। जिन क्षेत्रों में सबसे पहले से गहरे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को देखा गया, टाइग्रिस यूफ्रेटिस नदियां, घाटी निचली 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 घाटी, सिंधु नदी का मैदान, बाद में भूमध्य सागर के चीन की पीली नदी घाटी में, दक्षिण एवं एशिया अमेरिका में शहरी सभ्यता विकसित हुई। दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका में शहरी सभ्यता विकसित हुई। इस प्रकार पहले शहर मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में उभरे जिन्हें हम एलआईसी माना जाता है। तीव्र परिवर्तन की इस अवधि के लिए उत्प्रेरक नामक क्रांति जो लगभग जान यह तब था जब जानवरों को पालतू बनाने और अनाज की खेती पर आधारित जैसे जैसे खेती उत्पन्न हुई, सिंचाई तकनीकें विकसित हुई। इसके बाद हुई अन्य खींचा जाने वाला पहिए गाड़ी, नौकाएं, धातु। हालांकि यकीन सबसे महत्वपूर्ण विकास इसका आविष्कार, क्योंकि इसके बाद की सबसे टाइग्रिस यूफ्रेटिस नदियों के बीच लोड में कुछ गांव का आकार बढ़ गया और में बदलाव आया। शहरी के वर्गीकरण, क्योंकि पहले शहरों की तुलना में काफी बाद में व्यापारिक केंद्र, पहले शहरों की तुलना में काफी बाद बाद व्यापारी केंद्र विकसित होने लगे। म्योन सभ्यता ने दूसरी सदी दौरान अपनी संपत्ति व्यापार से जाना। इसके बाद कई अधिक बड़े पैमाने पर शहरी प्रणाली। अब देखो यहाँ पे क्या था, एशिया और अमेरिका, और इन्होंने क्या बोला? हिंदी वाले इंग्लिश वाले भी देख लेना ना, फिर एक ही पढ़ते हैं क्योंकि इजी तो है ये। अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, देख रहे हो, चीन में शहरी के अंदर सिंधु घाटी के मैदानी इलाकों में विकसित हो। पहले चीन तो कहीं आया ही नहीं, तो स्टेटमेंट 1 आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। व्यापारी केंद्र पहले शहरों की तुलना में बहुत बाद में विकसित हुए। जो व्यापारी केंद्र थे वो बाद में विकसित हुए। ट्रेडिंग सेंटर डेवलप मच लेटर देन द फर्स्ट सिटीज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1 आपकी गलत है, स्टेटमेंट 2 आपकी सही है। बस बहुत इजी था, डी, वेरी गुड, बहुत सही आंसर हो, नहीं होगा बहुत सही। चीन तो कहीं आया ही नहीं, केंद्र सिंधु घाटी के मैदानी इलाकों में विकसित होने वाले।
पहले आपका व्यापारी केंद्र पहले शहरों की तुलना में बहुत बाद में, पहले शहर विकसित हुए फिर व्यापार विकसित हुए, पहले शहर विकसित हुए फिर व्यापार विकसित हुए, तो ये सही बात बोल रहा है। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। क्लियर है अभी सभी को? अब देखो आज जो हमने आरसी की है, 1 घंटा लगाया है, ठीक है, आरसी करने में लगा है कि नहीं लगा है? बट ये हमारी ट्रिक थी। ट्रिक क्या थी हमारी, सुन लेना सभी ध्यान से। पहली ट्रिक क्या है हमारी, एक तो मेरी इमेज, इसको इरेज कर लेती हूँ। अब देखो ट्रिक बता देती हूँ जल्दी से। पहली ट्रिक क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले, पैराग्राफ नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले। जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे कुछ कीवर्ड दिए होंगे क्वेश्चन में, कुछ कीवर्ड दिए होंगे आंसर में, माइंड में रहता है तो ठीक है, नहीं रहता माइंड में तो रफ नोटबुक पे अपनी लैंग्वेज में लिख लेने वो कीवर्ड। सेकंड थिंग, क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, हिंदी में भी पढ़ लो, बोथ लैंग्वेज को यूज करो। ठीक है, मेरा तो आरसी में ऐसा, मैं बोथ लैंग्वेज यूज करती हूँ। जो मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा वो मैं हिंदी में देख लेती हूँ, जो मुझे हिंदी में समझ नहीं आ रहा वो मैं इंग्लिश में देख लेती हूँ। बट टाइमिंग सिर्फ 10 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे आरसी में। वही 10 मिनट टाइम लगाओगे डाटा इंटरप्रिटेशन में, कितने हुए 20 मिनट, ठीक है, या फिर 15 मिनट, कितने हुए 30 मिनट लग जाएंगे आपके डाटा इंटरप्रिटेशन में और आरसी में। बट री मीन्स की बिल्कुल ध्यान पूर्वक करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, 30 मिनट। इसके बाद 10 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके, फिर आपके पास बचते हैं 40 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर वन में, 40 क्वेश्चन करोगे 30 मिनट में, क्योंकि वो वन लीनियर टाइप रहते हैं, इजी इजी रहते, थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ोगे। डीआई और आरसी को क्यों इतना टाइम बोला मैंने, वैसे तो 10 10 मिनट देने हैं, 5 5 मिनट भी मैंने बहुत बोल दिया। 10 मिनट दो डाटा इंटरप्रिटेशन को, 10 मिनट दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ना है और की वर्ड लगाने हैं आंसर में भी और क्वेश्चन में भी। सेकेंड ट्रिक क्या है आपकी, जो पैराग्राफ पढ़ोगे ना, मानो क्वेश्चन में मेरे पास जैसे दिया था ट्रिगरस, ठीक है, तो उसकी आगे वाली लाइन भी देख लो और उसके पीछे वाली लाइन भी देख लो। और एग्जैक्टली ऐसा नहीं करना कि मान लो सेकंड क्वेश्चन पढ़ने लगे पूरा पैराग्राफ स्टार्टिंग से पढ़ लिया, महा गलती हो जाएगी। क्या बोला मैंने, क्या बोला, महा गलती। मान लो कि मेरे से पूछा अर्बन सेंटर डेवलप, ठीक है, तो मुझे कहाँ जाना है डायरेक्टली, मुझे जाना है डायरेक्टली अर्बन सेंटर डेवलप में, अर्बन सेंटर डेवलपमेंट में मुझे जाना है। कहाँ है मेरा अर्बन सेंटर, ठीक है, ये हो गया मेरा अर्बन, ये हो गया मेरा अर्बन सेंटर डेवलपमेंट, मुझे यहाँ जाना है डायरेक्टली। ये नहीं करना कि मैं अब स्टार्टिंग से पूरा पैराग्राफ पढ़ू फिर जाके मुझे मिलेगा अर्बन सेंटर, गलत। डायरेक्टली मुझे कीवर्ड को चूज करना है, जैसे कि हमारा पहले क्या था, ट्रिग्रिस और यूरोपीय, यहाँ पे गए, इससे पीछे वाली लाइन देखो, इससे आगे वाली लाइन देखो, अर्बन सेंटर में गए, इसके पीछे वाली लाइन देखो, इसके आगे वाली लाइन देखो, इस तरह से क्वेश्चन करना है, समझ गए? सेकेंड ट्रिक क्लियर है सभी को? पूरा पैराग्राफ कभी भी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास देखो अपने ईगो पे नहीं लेना कि हाँ मैम आप तो गलत सिखा रहे हो, हमें तो पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने की आदत है। पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि हाँ आपके 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, बट बाकी के 45 क्वेश्चन का क्या करोगे, वो भी तो क्वेश्चन है, वो भी तो आपके ही है, उससे भी तो आपको ही नंबर मिलने हैं, वो कौन करेगा, वो भी आपको ही करने हैं, तो टाइम का ध्यान रखते हुए, क्योंकि एनटीए वाला क्या चाहता है कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो डाटा इंटरप्रिटेशन में, आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, क्लियर है? इसीलिए जब पेपर वन आता है तो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन सबसे पहले दे दिया जाता है, क्यों, कि बच्चा इसी में फंसा रहे, 15 मिनट यहाँ ही लगा देगा, 15 20 मिनट, ठीक है, आपको डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। मैम मुझे डाटा इंटरप्रिटेशन आता था, 20 मिनट लगाए मैंने, सारे क्वेश्चन मेरे सही है, भाई 5 क्वेश्चन से JRF नहीं हो जाएगा, बाकी के 45 भी तेरे ही है, वो भी तुझे ही करने होंगे, कोई और नहीं आएगा उसको करने रीडिंग। अब देखो मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं आरसी और डीआई सबसे लास्ट में करती हूँ, जब लास्ट में 15 या 20 मिनट बचते तब, और आपने भी यही करना है, आरसी और डीआई लास्ट में करना, मीन्स पेपर वन के लास्ट में, पेपर टू की बात नहीं करी मैं, पेपर वन के लास्ट में करना, कभी भी डीआई और आरसी पहले मत लग जाना करने, मारे जाओगे बुरे तरीके से, क्योंकि इसमें तो दिमाग बहुत यूज होगा, थक जाओगे। जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे ना, यहाँ तो फिर भी इतना बड़ा बड़ा, वहां इतना छोटा छोटा होता है ना, स्क्रॉल करते करते थक जाते हैं और इतना माइंड पे प्रेशर पड़ जाता है
टाइम हो गया, 8 बज गए। इतना माइंड पे प्रेशर पड़ जाता है कि इन 10 क्वेश्चन से ही ना हालत खराब हो जाती है। फिर समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? देखो, डीआई और आरसी कब करना है? लास्ट में करना है, लास्ट के 15 मिनट या फिर 20 मिनट, ठीक है? और बाकी के कितने, 60 मिनट होते हैं ना हमारे, 50-60। बाकी के 40 मिनट क्या करोगे? पहले क्वेश्चन सॉल्व करो सारे, मैथमेटिकल रीजनिंग भी लास्ट में, मैथमेटिकल रीजनिंग भी लास्ट में। जिसने करनी है वो करो, जिसने नहीं करनी वो स्किप कर सकता है इसको। 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 1 या 2 क्वेश्चन आएगा यहाँ से। बाकी सारे टीचिंग पहले कर लो, रिसर्च कर लो, कम्युनिकेशन कर लो, कंप्यूटर कर लो, पीपल एंड डेवलपमेंट कर लो, हायर एजुकेशन कर लो, ठीक है? और क्या आपका यही है ना, लॉजिकल रीजनिंग कर लो, यही है आपके, ठीक है? DI RC मैथमेटिकल रीजनिंग लास्ट में करोगे। और कैसे करोगे आरसी? पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ने बैठ जाओगे, हर क्वेश्चन के लिए पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, सिर्फ कीवर्ड ढूंढोगे और वहां पे ही जाओगे, उस पैराग्राफ में उसी पॉइंट पे जाओगे, उसके पीछे वाली लाइन, उसके आगे वाली लाइन, बस आंसर आ जाएगा। और ये तो फिर भी थोड़ा सा टफ था, मीन्स उतना ज्यादा टफ नहीं था, हल्का लिटिल बिट टफ था, इससे भी बहुत इजी इजी आरसी आते हैं। ओके मैम, ठीक है जी। कोई ऐसा जिसको कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार बोल दो, फिर क्लास को करते हैं एंड। 8:01 हो गया, जल्दी से, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो जो मुझे टाइम दिया गया, मुझे अपने टाइम पे ही काम करना है। हाँ, मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया होता तो मैं डेफिनेटली क्लास ले लेती। क्लियर है सभी को? कोई भी क्वेश्चन ईगो पे कभी भी नहीं लेना। एक क्वेश्चन की वजह से नहीं होगा JRF, या सिर्फ ओनली 5 क्वेश्चन की वजह से JRF नहीं होगा। 35 क्वेश्चन करने ही करने हैं किसी भी हाल में, और करेक्ट होने चाहिए, ठीक है? 35 क्वेश्चन तो करने, क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने, 50 के 50, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट 35 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, DI और RC लास्ट में। पेपर 2 में भी यही करोगे, पेपर 2 की जो RC है उसको लास्ट के लिए रखना है। और लास्ट में ऐसा भी मत करना है कि RC के लिए टाइम ही ना बचे, मीन्स 15-20 मिनट पहले से रख लेना, इस तरह से स्पीड रखना अपनी। मेरी क्लास नहीं है यूट्यूब पर, नहीं होगी आज, क्लियर है? कोई भी डाउट है पूछ लो अभी। RC समझ नहीं आई, कोई डाउट है तो पूछो, फिर क्लास को एंड करते हैं। हाँ जी, जाऊं फिर मैं, करें क्लास को एंड? यूट्यूब पर आज मेरी कोई क्लास नहीं है, बस ऐप पर है। कल लेंगे हम क्लास एनवायरमेंट एंड उसकी, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग और आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये चीजें कर लेते हैं कल, ठीक है? उसके बाद करेंगे हम सोलर विंड, वो डिटेल में। हाँ, इसी में आ जाएगा आपका, एनर्जी में ही आ जाएगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा आपका। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था मैम, बहुत कोई क्या हुआ, बात नहीं, मैं रिकॉर्डेड क्लास देख लूंगी। हाँ ठीक है प्रेरणा जी, रिकॉर्डेड देख लेना। ओके थैंक यू जी मैम, ये पक्का है कि पेपर 1 1 आवर में ही हो? हाँ ये पक्का है कि 1 घंटा। देखो, टाइम डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। टाइम चला गया ना, टाइम वापस नहीं आना। पेपर 1 को सिर्फ 1 घंटा ही दो। अगर मेरा तो ऐसा होता ना कि मैं 1 घंटे से पहले कर लेती हूँ पेपर 1, मेरा ऐसा होता है। मैं पेपर 1 में, पेपर 2 में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस और वो ना, पेपर 1 मुझे इजी लगता है और पेपर 2 में बहुत टाइमिंग लगता है। तो मैं पेपर 1 ना 40 मिनट में ही कर लेती हूँ, 40 से, सॉरी 40 नहीं, 50 मिनट में कर लेती हूँ मैं पेपर 1, जो मेरा खुद की स्पीड है। पेपर 1 50 मिनट में कर लेती हूँ। पेपर 2 की RC बहुत ज्यादा अजीब सी आती है, उसमें टाइम लगता है। पेपर 2 की RC है, पर इस बार तो RC बहुत ही ईजी आई थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब इस बार पेपर 1 की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूरे पूरे नंबर, 5 के 5 क्वेश्चन सही है। पेपर 2 की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दो दो आती है ना, 5 5 to 10, 20 मार्क्स यहाँ से रख लो, 10 मार्क्स यहाँ से रख लो, 30 मार्क्स मेरे पूरे पूरे आए। पेपर 2 की सारी RC मेरी 10 के 10 क्वेश्चन ठीक हुए इस बार जून में, और पेपर 1 की भी सारी RC मेरी ठीक हुई थी इस बार जून में। इस वजह से मेरा नेट हो गया था, RC ने मुझे काफी 30 मार्क्स दे दिए थे RC ने मुझे। बाकी तो मैंने पढ़ा कुछ नहीं था, बट RC और DI की वजह से मेरा ये हुआ था, नेट हुआ था। बाकी पढ़ा नहीं था उतना ज्यादा, पढ़ा ही कुछ नहीं था, कॉमर्स तो टच तक नहीं किया था रियली। PDF इसकी, RC की PDF कल मिलेगी, RC की PDF, और अभी अपलोड करती हूँ पेपर एंड एनवायरमेंट की PDF, ठीक है? ठीक है जी, ओके, बाय बाय।
मैम दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं? हाँ जी, दोनों पेपर एक दिन में होते हैं और 3 घंटे मिलते हैं विदाउट एनी ब्रेक। तभी बोल रही हूँ दिमाग थकता है इसमें, आरसी और डीआई में बहुत ज्यादा दिमाग थकता है। इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा क्या मैम यूनिट 9? बिल्कुल जी ऋतुराज जी, कंप्लीट हो जाएगा जी। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना, जो वहाँ पे न्यू टॉपिक मिलेंगे उनको गूगल कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पता लग गया कि कैसा करना है। फ्री के नंबर है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन कोई भी नहीं छोड़ेगा, नहीं तो मार खाएगा मुझसे। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करवा दे, ये इसकी अलग है ना, ये पैराग्राफ डिफरेंट है। 5 ही होते हैं जी पैराग्राफ में, 5 ही क्वेश्चन आते हैं आपके एक पैराग्राफ में। ये है आपकी प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर की आरसी, मैंने नहीं बनाई है, एनटीए वालों की आरसी है ये। अब देख लो ऐसी आरसी पूछते हैं। ये आपकी नेक्स्ट है, ठीक है? इसको नेक्स्ट संडे करेंगे अब हम। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं 7 PM। अभी क्लास का शेड्यूल भी बना देती हूँ और PDF भी अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए, पीपल एंड एनवायरनमेंट की, चेक कर लेना। ओके, बाय बाय। मैं नहीं करवा सकती प्रेरणा जी, DI के जीतू सर करवा रहे हैं ना, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।